नमस्कार स्वागत है आपका जी बिजनेस में मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा आईफोन एक बार फिर सुर्खियों में है अपने लेटेस्ट आईफोन वर्जन को लेकर लेकिन एक सवाल जो भारतीयों के मन में उठता है रह रहकर वो ये कि भारत में आखिर आईफोन इतने महंगे क्यों हैं आप अमेरिका चले जाएं दुबई चले जाएं वहां पर आईफोन आपको सस्ते मिलते हैं इनफैक्ट अगर अगर आप अमेरिका से तुलना करेंगे तो वहां पर आईफोन 15 भारत में जिसकी तैयारी हो रही लॉन्च हो चुका है लेकिन लॉन्चिंग की चर्चा नहीं इस बात की ज़्यादा चर्चा है कि वो दूसरे देशों के मुकाबले में भारत में इसकी कीमत क्यों ज्यादा है अमेरिका जापान दुबई हांगकॉन्ग जैसे देशों के मुकाबले में आईफोन 10 से पैंतालीस हजार रुपए अलग अलग जो वर्जन है उसमें महंगा है ऐसे में जबकि आईफोन अब मेक इन इंडिया हो चुका है तो फिर भारत में इसके महंगा होने के क्या कारण है इसी पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ पहले ये रिपोर्ट आईफोन का क्रेज भारत में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है यही वजह है कि इसकी 15 सीरीज को ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में भी लॉन्च किया गया सबसे बड़ी बात यह है कि आईफोन अब भारत में ही बन रहे हैं यानी मेक इन इंडिया आईफोन इसका साफ मतलब है कि आईफोन की कीमत भारत में सस्ती होनी चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं प्रो मैक्स की कीमत में तो भारत और अमेरिका की कीमत में पचास तक का अंतर है दरअसल भारत में एप्पल का प्रो मॉडल असेंबल नहीं करता है इसलिए प्रो मॉडल की कीमत भारत में कुछ ज्यादा ही महंगी है अगर हम आईफोन के 15 प्रो की शुरुआती मॉडल की कीमत की बात करें तो भारत में ये एक लाख पैंतीस हजार के करीब है भारतीय रुपए में दुबई में इसकी कीमत सत्तानवे हजार चीन में बानवे हजार हॉन्गकॉन्ग में इक्यानबे हजार और अमेरिका में तिरासी हजार के करीब है मेक इन इंडिया होने के बावजूद आईफोन के घरेलू बाजार में महंगा होने की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल सप्लाई चेन है असल में ओ यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के तहत आईफोन के कई अहम पार्ट्स अभी भी भारत में इंपोर्ट होते हैं इस पर भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगती है खासकर आईफोन की पी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और चार्जर दोनों पर ही करीब 20 परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है इसके अलावा सरकार स्मार्टफोन पर 18 परसेंट जी वसूलती है इसके चलते दूसरे देशों के मुकाबले हमें अपने देश में आईफोन महंगा पड़ता है वहीं डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपया भी इम्पोर्ट को महंगा बना देता है वही एप्पल अभी अपने आयतित प्रोडक्ट बेचने के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स के नेटवर्क पर निर्भर है ऐसे में बिचौलियों की भूमिका बढ़ने से कंज्यूमर्स पर इसका भार पड़ता है लेकिन आने वाले दिनों में जब सभी पार्ट भारत में बनने लगेंगे तो कीमतें भी कम होनी तय है क्योंकि तो देश में प्रीमियम सेगमेंट यानी पैतालीस हजार रूपए ऐसी ऊपर के स्मार्टफोन की बिक्री में बासठ परसेंट की अकेली हिस्सेदारी एप्पल की है वहीं सभी सेगमेंट की बात करें तो देश में एप्पल की हिस्सेदारी छह परसेंट के करीब है जो कि पिछले साल महज तीन परसेंट था एप्पल ने अपने नए मॉडल्स में नेविगेशन के जो प्रोग्राम डाले हैं उसमें नेवल सी प्रोग्राम भी एक है जिसे इसरो ने डेवलप किया है ऐसे में एप्पल की जड़े जैसे जैसे भारत में मजबूत होती जाएंगी इसकी लागत के कम होने की उम्मीद बढ़ती जाएगी ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपका परिचय आज के मेहमानों के साथ करा दें हमारे साथ इस वक्त तरुण पाठक जुड़ रहे हैं जो कि रिसर्च डायरेक्टर हैं काउंटर पॉइंट रिसर्च के तरुण बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर और हमारे साथ हैं अभिषेक ए रस्तोगी फाउंडर हैं रस्तोगी चैंबर्स के अभिषेक आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तरुण पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत बड़ा ही चर्चित प्रश्न है ये आजकल के अब तो आईफोन जो है मे, मेक इन इंडिया हो रहा है उसके बावजूद हमें एक्स्ट्रा पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक जब से iPhone फिफ्टीन लॉन्च हुआ है ये प्रश्न काफ़ी पूछा जा रहा है कि और इस टाइम जब हम बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया है लेकिन मेक इन इंडिया में भी अगर आप थोड़ा सा डीप जाएंगे तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग कह सकते हैं कि iPhone असेंबल हो रहा है इंडिया में तो जब कोई चीज़ असेंबल होती है तो पूरे उसका जो कॉस्ट होता है फोन का वो सिर्फ पाँच परसेंट बॉम्ब की कॉस्ट असेंबली होती है बाकी आपके कंपोनेंट जो भी हैं वो अभी भी इंपोर्ट किए जा रहे हैं जिस पे अभी भी ड्यूटी है भारत में तो एक तो वो ड्यूटी ऐड हो जाती है बिकॉज आप लोग 20 फुल मोबाइल का नहीं दे रहे हो लेकिन आप कंपोनेंट पे ड्यूटी दे रहे हो उसके ऊपर आपका जीएसटी की हिस्सेदारी है और वो रहता है हमारा रुपया अगर आप डॉलर से कंपेयर करो वो थोड़ा वीक है उसका रहता है और प्लस एप्पल अभी अगर आप भारत में देखोगे तो एक्सपेंशन मोड पे है अब चार साल पहले एप्पल का शेयर इंडिया में सिर्फ एक प्रतिशत था जो कि बढ़ के अभी पांच प्रतिशत हो गया तो जैसे जैसे एप्पल का एक्सपेंशन होगा इंडिया में तो जैसे हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल वैसे वैसे ये चीजें भी बढ़ेंगी और उसका फायदा एंड कंज्यूमर को होने वाला है आने वाले सालों में एब्सोल्युटली लेकिन ये प्रश्न जरूर उठता है जो आपने कहा कि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उस पर बीच बीच में सवाल जरूर उठते रहते हैं कि साहब हमको अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है तो फिर उसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन भी करने पड़ेंगे इस वक्त हमारे साथ टेक एक्सपर्ट अभिषेक भटनागर भी जुड़ चुके हैं अभिषेक आपका भी बहुत बहुत स्वागत इससे पहले कि मैं अभिषेक रस्तोगी के पास जाऊं अभिषेक भटनागर आपके पास मैं पहले आना चाहूंगा थोड़ा सा जो तरुण से बातचीत हुई कि क्यों महंगे हैं इंडिया में फोन इस पर आप भी जरा कुछ रोशनी डालें जी डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम देखें तो आईफोन 15 की जो प्राइस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है मतलब अगर देखा जाए तो वो सेम प्राइस पे रखे गए हैं लेकिन हाँ डॉलर क्योंकि चेंज होता रहता है इंडियन करेंसी थोड़ी वीक है डॉलर पे जो मैं उस बात पे एग्री करता हूँ तो एक तरह से वो थोड़ा अच्छा है कि वो कम से कम इंडिया में बन रहा है और अभी फिफ्टीन प्रो की अगर हम बात करें तो उसमें टाइटेनियम यूज़ हो रहा है और वो मटेरियल की कॉस्टिंग थोड़ी और बढ़ जाती है तो वो थोड़ा और प्रीमियम भी हो जाता है और नए जो ये मटेरियल यूज हो रहा है टाइटेनियम इसकी वजह से फोन लाइट वेट भी और ये पूरा इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में नहीं बन रहा है तो उस केस में उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ ही गई है जो कि शायद एप्पल कंट्रोल कर सकता था हमें लग रहा था कि भाई एप्पल के दो स्टोर इंडिया में लॉन्च हो गए हैं तो यहाँ पे शायद एप्पल इस चीज पे ध्यान देगा लेकिन फिलहाल तो उन्होंने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि भाई ये फोन जो है सस्ते होंगे लेकिन कम से कम मैं कह सकता हूँ कि फिफ्टीन की प्राइस उतनी नहीं बढ़ी है वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही है लेकिन हाँ फर्क थोड़ा बहुत आ जाता है क्योंकि डॉलर और रुपए में थोड़ा बहुत चीजें बदलती रहती है और टैक्स वगैरह की की वजह से भी इस तरह की प्राइसिंग के अंदर हमें थोड़ा चेंज देखने को मिलता है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है जो मेजर प्रॉब्लम मुझे लगता है वो फीचर्स में लगता है उसके बारे में बाद में आऊंगा नहीं बिल्कुल ये मैं इस पर भी आऊंगा और मैं मैं जरा तरुण के पास वापस चलना चाहूंगा तरुण क्या ये डिफरेंस इतना नहीं है जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं सेवन नाइन नाइन मेरा ख्याल है कि uh, ये यूएस में है इसका बेस US प्राइस सेवन नाइन नाइन डॉलर और इंडिया में आठ सौ से ऊपर का है देखिए इंडियंस के लिए तो बहुत बड़ा है अगर बेस में भी आपका चौदह पंद्रह हजार रुपए का अंतर आ रहा है तो ये बड़ा अंतर है अभिषेक छोटा मोटा अंतर नहीं है लेकिन तरुण का टेक में इस पर लेना चाहूंगा बिल्कुल I, I think अगर आप 15 से भी स्टार्ट हो जाते हो तो जो अंतर है वो दस हजार से शुरू हो जाता है अगर आप बाहर की आ, कंट्री से कंपेयर करो अभी एक दो साल में क्या हुआ है कि आ, जो आ, यूजर्स हैं पहले तो यूएस आ, से मंगवाते थे अभी एक और कंट्री भी इसमें सामने आई है वो है दुबई तो अंतर अगर हम लाइक टू लाइक कंपैरिजन करें तो हम इंडिया की बात करते हैं जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है लेकिन जब हम यूएस पे वो कन्वर्शन कर रहे हैं तो उसमें उधर भी स्टेट टैक्स है जो अभी हम काउंट नहीं करते हैं बट अगर आप लाइक टू लाइक कंपेरिजन करो तो बेस मॉडल का अंतर हो जाता है दस का प्रो प्रो मैक्स तक जाओगे तो ये अंतर बढ़ के चालीस तक भी पहुँच जाता है तो अगर आप कोई भी मॉडल पकड़ लोगे तो अंतर तो है तो इसलिए अभी मॉडल लॉ बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारी ये चीजें चर्चा में आती है कि नहीं कोई यूएस जा रहा है तो उधर से फोन लेके आ जाए या दुबई जा रहा है तो उधर से फोन लेके आ जाए तो हाँ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आ, अगर बिकॉज इंडिया में क्या है कि आईफोन एस्पिरेशनल ब्रांड है hmm. उनको चाहिए लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट तो उसमें फिर उनको पैसा भी सेव करना है बिकॉज ऐसा नहीं है कि सब हाई एंड लोग ही एप्पल ख़रीद रहे हैं इधर ऐसे भी लोग हैं जिनका पहले फ़ोन में भी दस हज़ार रुपये का होगा और वो अब एप्पल ख़रीदना चाहते हैं बिल्कुल सही बात है और इसी एस्पिरेशन का तो फ़ायदा उठा रहा है एप्पल रस्तोगी साहब अभिषेक रस्तोगी साहब ये ऐसा क्यों भाई एप्पल तो चाहेगा उसका फोन बिके वो चाहे अमेरिका से बिके चाहे दुबई से बिके उसका तो फोन बिकना चाहिए उसके लिए तो यूनिट चाहिए अब हमारे यहां ये है कि हम बिल्कुल सही कह रहे हैं तरुण स्थिति ये रहती है कोई यूएस जा रहा होता है कोई दुबई जा रहा होता है तो पीछे से चार पीछे लग जाते हैं कि भाई हमारा आईफोन लेके आ जाइए तो ये ऐसी स्थिति क्यों है आ, ये जो इंपोर्ट ड्यूटी का जो चक्कर है कोई विंडो नहीं है कि हम उसमें कुछ कम कर सके टैक्सेस का कुछ ज्यादा बड़ा है क्या आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताना चाहता हूं जो प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए रेलेवेंट है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो तीन फैक्टर्स रेलेवेंट हैं वो पहला है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडली टैक्स कॉस्ट और थर्ड फिक्स कॉस्ट जो एमोर्टाइज होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो जहां तक की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है वहां पर गवर्नमेंट ऐसे इंसेंटिव स्कीम्स पीएलआई स्कीम्स एटसेट्रा पे काम कर रहा है और करेगा जिससे कॉस्ट ऑफ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फोन इंडिया में कम हो जाए और आने वाले समय में देखा जाएगा कि इंडिया में इन फोन्स की कॉस्ट एट पार हो जाएगी तो दैट इज ऑन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो आता है टैक्स कॉस्ट का एक होते हैं लोकल टैक्सेस जो जीएसटी के फॉर्म में इन पर लगेंगे और एक होता है कस्टम्स ड्यूटी आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं हो रही है और आने वाले समय में इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा और ये पार्ट्स भी इंडिया में बनेंगे जिसकी वजह से बेसिक कस्टम्स ड्यूटी इन प्रोडक्ट्स पे कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी और आईजीएसटी और जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा टैक्स चेन का क्रेडिट मिलेगा तो कॉस्ट ऑफ टैक्स क्रेडिट भी uh, बढ़ेगा और टैक्स कॉस्ट कम होगा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज देश ने ये डिसीजन लिया है कि हम इसको एनकरेज करना चाहते हैं इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करना चाहते हैं उसके लिए आज इन्वेस्टमेंट होगा बहुत सारी ऐसी फिक्स कॉस्ट है जो आज इनकर हो रही हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ फाइव इयर्स टेन इयर्स एमोटाइज होंगी और आने वाले समय में इस आईफोन की ओवरऑल कॉस्टिंग की मैन्युफैक्चरिंग को कम देखा जाएगा जब हम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं उसमें दो बहुत और इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फैक्टर्स हैं एक होती है फ्रेंचाइजी फी या ट्रेडमार्क फी जो इंडियन एंटिटी को ओवरसीज एंटिटी को देना पड़ेगा राइट टू यूज जिसे बोला जाता है तो वो फ्रेंचाइजी फी का परसेंटेज क्या अभी रखा है और आने वाले समय में कितना होगा कितना इस टेक्नोलॉजी के लिए रेमिटेंस करना पड़ेगा वो भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आएगा और आखिरी मुख्य फैक्टर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन अगर यूनिवर्सल प्रॉफिट मार्जिन अगर ग्लोबल प्रॉफिट मार्जिन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज को इक्वेट कर दिया जाए तो आने वाले समय में 100 परसेंट कहा जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन इंडिया विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली बिल्कुल आपने सही कहा आपके दोनों तरफ आप देखिए बातें हैं भारत सरकार भी ऐसी खबरें आती रहती हैं आ, आ, पिछली बार जब आ, एप्पल सी ओ टीम को भारत आने वाले थे तो ऐसा खबरें आई थी कि uh, हम शायद इम्पोर्ट ड्यूटी में कट कर सकते हैं लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हैं बीच बीच में खबरें आती रहती हैं तो ये तो भारत सरकार की तरफ से पार्ट हो गया दूसरा जो एप्पल को प्ले करना है पार्ट हम उस पर भी चर्चा करेंगे और इस पर इसलिए चर्चा करेंगे कि देखिए भाई साहब सिर्फ बात कॉस्ट की नहीं है जैसा कि अभी अभिषेक अभी भी बता रहे थे कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है बात फीचर्स की भी है भारतीयों से ऐसी क्या नाराजगी है ऐसी क्या अदावत है एप्पल की कि हमको फीचर्स भी नहीं दे रहे हो आप न्यूज़ प्लस फिटनेस प्लस एप्पल पे बहुत सारी एप्पल कार्ड बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जिसमें भारत के साथ दो दर्जे का व्यवहार अपनाता है एप्पल ऐसा प्रतीत होता है तो क्यों ये इस तरह का ट्रीटमेंट है तो आईफोन से जुड़े एक रहस्य से आज हम पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये रहस्य ये है कि जब भारत में निर्माण शुरू हो चुका है मेक इन इंडिया आईफोन कहे जा रहे हैं तो फिर महंगे क्यों हैं दाम आईफोन के इसी के गिर्द हमारी चर्चा भटनागर साहब जो बात हो रही थी कि फीचर्स के मामले में तो कम से कम आप हमें कुछ समझिए कि हम पढ़े लिखे लोग हैं अफोर्ड कर सकते हैं आपको ऐसा दो दर्जे का व्यवहार क्यों जी जी मैं इस बात पे जरूर से कहना चाहूंगा कि एप्पल की तरफ से जो एक एप्पल पे फीचर है एक तरह का एनएफसी पेमेंट वाला फीचर जो है आज के समय में डिजिटल पेमेंट के अंदर इंडिया सबसे आगे है पूरे वर्ल्ड में एक स्टेटमेंट जो है हमारे यूपीआई ने बनाई है तो मुझे लगता है कि जो एन पे आज के टाइम पे गूगल पे पेटीएम या कोई भी ऐप में चलता है और आईफोन के अंदर जो लोग इतना पैसा खर्च करके आई खरीद रहे उनको क्यों नहीं एप्पल पे जैसा जो है एक फीचर मिलता जो कि उनको बहुत अच्छा लगेगा जो कि इंटीग्रेटेड होगा फोन के अंदर वो चीज इतना महंगे फोन के अंदर आज के समय में यूज नहीं कर पाते और दूसरा मेरा एक और फीचर से रिलेटेड शिकायत है एप्पल की तरफ और वो ग्लोबल शिकायत है और वो मुझे लगता है कि एप्पल को करना चाहिए आज के समय में भी 15 की हम बात करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ का ही डिस्प्ले मिलता है जो कि कहीं ना कहीं बहुत पुरानी बात है आज के समय में हमारे पास पंद्रह हजार रुपए के फोन के अंदर वन ट्वेंटी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है जो कि एक बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देता है अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई एप्पल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा क्यों नहीं पड़ता पड़ा क्योंकि हम लोग नहीं बोलते हैं अगर हम कंपनी को बोलेंगे कि भाई हमें और बेहतर डिस्प्ले और बेहतर टेक्नोलॉजी दो तो वो क्यों नहीं देंगे कही कहीं ना कहीं एप्पल वहां पे भी कंजूसी करता है और ये तो आईफोन 15 के साथ उन्होंने पहले से भी किया है मतलब फिफ्टीन सीरीज में जबकि प्रो सीरीज में आपको हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले मिलते हैं अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिल गई हैं जो कि आपको प्रो सीरीज के फोन में मिलती है आई फोन 15 में लेकिन रिफ्रेश रेट अभी भी इतना पुराना आज के टाइम पे जो स्मार्ट वॉचेज है उसमें साठ हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ जाता है तो स्मार्टफोन में तो और बेहतर पॉसिबल है जिससे आप चीजें बेहतर कर पाए और आपको तरीके से आपको डिस्प्ले डिस्प्ले से आपको थोड़ा ना बनाना है डिस्प्ले तो आपका सैमसंग बना रहे हैं आप सैमसंग को बोल दो नहीं देखिए डिस्प्ले <laughs> हाथ में ही है तो ऐसे में ऐसा नहीं है सैमसंग सिर्फ वो डिस्प्ले दे दे रहा हैं तो सैमसंग के डिस्प्ले में वो फीचर पॉसिबल है जिस तरह का डिस्प्ले है वहां पे उसमें आपको हाई रिफ्रेश दिया जा सकता है लेकिन एप्पल डिसाइड करता है कि भाई वो हमें नहीं देना है ताकि उनके प्रो सीरीज के फोन कहीं ना कहीं उन फीचर्स के लिए ज्यादा जाने जाएं और लोगों को अगर सारे फीचर्स में मिल जाएंगे तो हमें लगता है कि भाई फिर प्रो कौन तो लेगा बिल्कुल सही बात है देखिए सारी चीजें तो ये एप्पल वाले जो हैं ये सब चीजें तो इधर उधर से ही मंगाते हैं जैसे मैं कह रहा था जो मोस्ट एक्सपेंसिव कॉम्पोनेंट है इसका वो बनाता है सैमसंग इसके अलावा जो प्रोसेसर हैं डायोड्स हैं ट्रांजिस्टर्स हैं सब तो ये बाहर से ही मंगा रहे हैं मेरे ख्याल से चिप है इनकी अपनी तरुण सिर्फ चिप ही है इनके पास है बिल्कुल मैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगा हाँ। कि हम लोग कह रहे हैं कि एप्पल कंपोनेंट बाहर से लाता है पहले तो बात है कि इंडस्ट्री में हर चीज फोन में साढ़े तीन सौ कॉम्पोनेंट है कोई भी एक कंपनी हर चीज नहीं बना पाएगी एप्पल तो केस में जो हम बोल रहे हैं एप्पल का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये बहुत ही डीपली इंटेग्रेटेड होता है जब आप बोल रहे हो तो वो वैसा नहीं रहता कि एप्पल जाता है सैमसंग को ऑर्डर करता है डिस्प्ले आता है फोन पे लगता है और आ जाता है या हम चिप की बात कर रहे हैं जब हम कैमरा मॉड्यूल की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि सोनी के सेंसर है सोनी के पास जाएंगे और आईफोन पे लगाए यहाँ पे बहुत सारे इंटेग्रेशन का रोल है जो कि एप्पल का सॉफ्टवेयर और इन चीजों का जो इंटेग्रेशन है वो इतना स्ट्रांग है कि आपको 200 मेगापिक्सल कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है आप 48 या 12 में मेगा आप वैसी क्लैरिटी दे सकते हो जो शायद 200 मेगापिक्सल वाला भी नहीं दे सो आई थिंक जो हम फीचर की बात कर रहे हैं फोन में नंबर गेम एक अलग साइड है और एक्सपीरियंस एक अलग है वो तभी आएगा जब आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटेग्रेशन होगी और वो चीज़ एप्पल आई थिंक वर्ल्ड में सबसे बेहतर करता है अभी नहीं वो ठीक है वो मान लिया हमने कोई बात नहीं आप कहीं से भी मंगाए हमें उससे कोई मतलब नहीं आप सैमसंग नहीं। से मंगाइए कहीं से भी मंगाइए अपना डिस्प्ले जो भी मंगाना है आपने एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया है उस ब्रांड वैल्यू में आपने काम किया है इसमें कोई शक नहीं है आप सैमसंग से बनाइए चाहे आ, हमारे दिल्ली के किसी आप मैन्युफैक्चरर से बना लीजिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है बात यह है कि आप जब प्राइस तय करते हो तो फिर करेंसी मूवमेंट देखते हो आप आप एस्पिरेशन देखते हो और जब फीचर्स की बात आती है तो आप आ, ऐसे व्यवहार करते हो जैसे कि आप मान के चल रहे हो कि साहब भारत में हर कोई इन फीचर्स को तो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा या ऐसी ये फीचर्स देने की आवश्यकता क्या है और वो भी तब जब आप एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो ये ये मेरा पॉइंट है भटनागर साहब एम आई राइट right? जी बिल्कुल मैं मैं इस बात से एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं एप्पल इस मामले में हमेशा आ, ये एक रवैया जो है देते आए हैं जिसके अंदर वो ये मान के चलते हैं कि भाई इन की क्या ही है। अगर 15 प्रो के अंदर या प्रो सीरीज के फोन के अंदर एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल सकता है तो क्यों नहीं वो 15 में मिल सकता है बिल्कुल मिल सकता है अगर एप्पल देना चाहे तो और ऐसे में मुझे लगता है कि जिनको प्रो लेना है वो और बातों के लिए भी प्रो वाले फोन लेंगे और फिफ्टीन और भी बेहतर लोगों को लगेगा जब उनको प्राइस एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेगी तब भी उन्हें वो फीचर्स पे देखने को मिलेंगे हालांकि कुछ चीजों में यहां पे एप्पल ने काम किया ऐसा नहीं कि हर चीज के अंदर उन्होंने किया इस बार उन्होंने कुछ चीजें जो कि पहले प्रो सीरीज के फोन में आती थी वो इन्होंने दे दिए हैं जैसे कि जो है आपको मिल गया है लेकिन यूएसपीसी दोनों ही फोन मिला है अभी भी आपको फिफ्टीन के अंदर यूएसपीसी लो स्पीड वाला मिला यानी कि यूएसपी टू पॉइंट जीरो वाला पोर्ट है तो वहाँ हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर नहीं करते तो उन्हें लगता है कि भाई हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कोई क्यों ही करेगा 15 में वो तो सिर्फ प्रो वाले करेंगे तो ये मुझे समझ में नहीं आते कि भाई ये कैसे डिसाइड हो जाता है कि भाई इस वाली चीज को यहाँ पे अच्छे से दीजिए

आ, तो थोड़ा सा इस पर सोचना पड़ेगा एप्पल को आ, मैं तो कहता हूँ सिर्फ एप्पल को ही नहीं जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड अब भारत का मार्केट तलाश रहे हैं मजबूरी में कहूंगा मैं तो क्योंकि पूरी दुनिया में जो स्लो डाउन है सारे कंज्यूमर तो इन्होंने आ, खुद कंज्यूम कर लिए अब मार्केट एक जो बचा है वो इंडिया बचा है यहाँ पर एक्सप्लोर हर कोई कर रहा है अब लेकिन आ, लेवल प्लेइंग बात हो हर चीज़ में आ, रस्तोगी साहब हम कब देखेंगे अब अब ये पूरी की पूरी बहस आ जाती है कि साहब इंडिया ही इंपोर्ट ड्यूटी अब कम नहीं कर रहा है तो साहब हम क्या करें चालीस प्रतिशत बताते हैं कि आईफोन में जो टैक्सेस लगते हैं वो भारत की तरफ से वो लगभग लगभग फोर्टी परसेंट के आसपास एक्स्ट्रा हो जाते हैं कोई गुंजाइश कोई विंडो है सर कि हम कुछ करें और अपने नागरिकों के लिए अपने कंज्यूमर के लिए कुछ सस्ते फोन देने की कोशिश करें हमारे पास है सर कुछ ऐसा विंडो आपका बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है और ये जो 40 प्रतिशत टैक्स की आप बात करते हो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं एक कंपोनेंट होता है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और दूसरा कंपोनेंट होता है आईजीएसटी आईजीएसटी का पूरा क्रेडिट मिलता है तो कंज्यूमर को आइडली बेनिफिट जाना चाहिए और बेसिक कस्टम्स ड्यूटी आज इंडिया इसलिए लगा रहा है क्योंकि इंडिया भी ये चाहता है कि जो ये पार्ट्स एंड एसेसरीज एट्रा हैं जो आज इंपोर्ट हो रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन होके फॉर इंस्टेंस चिप्स चिप्स इंडिया विल बिकम दिगेस्ट मैनुफैक्चरिंग हब ऑफ चिप्स इन दमिंग भारत का आज उद्देश्य यह है कि जो ये इम्पोर्ट हो रहा है उसमें एक एलिमेंट बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का लगे जिससे वो लगे रस्तोली साहब सही कह रहे हैं आप लेकिन लेकिन इंडस्ट्री रस्तोली साहब लेकिन, लेकिन इंडस्ट्री तो ये कह, कह रही है सरकार से बार बार ये कह रही है कि आप बेसिक कस्टम ड्यूटी को आप फिक्स क्यों नहीं कर देते पांच से आठ हजार रुपए ले लो फिक्स फिक्स कर दो फोन पे अभी तो वो आप परसेंटेज में डालते हो तो वो एक्स्ट्रा हो जाती है कभी पच्चीस हजार कभी तीस हजार तो फिक्स क्यों नहीं कर देते ये इंडस्ट्री की डिमांड रही है इसमें क्या प्रॉब्लम है आई थिंक आई थिंक वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बेसिस द वैल्यू ऑफ द डिवाइस एक ऐसा फिक्स वैल्यू रख सकते हैं मगर फोन्स में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो देश में बन नहीं रही हैं जिनको इंपोर्ट करना पड़ता है और उनकी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी हमको डिफरेंट रखनी पड़ती है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देश में कुछ डोमेस्टिक कंपनीज बना भी रही हो अगर वो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी उन प्रोडक्ट्स पे कम कर दी तो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग जो है जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है भले ही वो आईफोन के लिए ना बनाते हो कुछ और लोगों के लिए भी बनाते हो वो एट पार नहीं रहेंगे और अगर इंपोर्ट सस्ता हो गया तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म होगा इंजरी होगी सो so, इसलिए जो ये ड्यूटी कैलकुलेशन है ये इस परस्पेक्टिव से करी जाती है कि जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग अगर उस चीज की हो रही है तो वो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स को एट पार लाया जाए उनको वर्स ऑफ ना करा जाए एक्सपोर्टर्स जो बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में एक वो ऑब्जेक्टिव रहता है दूसरा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब फोन्स में बनेगा ही बनेगा और ऐसा समय आएगा जब इंडिया से ये फोन्स एक्सपोर्ट होंगे नहीं, तो नहीं। आने वाले समय में आईफोन या कोई भी ऐसी मोबाइल कंपनी या टेक्नोलॉजी कंपनी हार्डवेयर कंपनी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती है और जो मैंने आपको तीन फैक्टर्स बताए थे उन तीनों फैक्टर्स पे गवर्नमेंट का बहुत काम चल रहा है जिससे कि कॉस्ट ऑफ कंसर्न है भारत के द्वार खुल चुके हैं पूरी दुनिया के लोग आए सारे ब्रांड्स आए भारत में आए मैन्युफैक्चरिंग करें खुद भी मुनाफा कमाएं यहाँ के लोगों को भी काम दें रोजगार दें और सहूलियतें भी दें लेकिन साथ ही साथ जो हमें अपनी तरफ से देखना होगा अगर इस तरह के फिक्स कर देते हैं आप आ, इंपोर्ट ड्यूटीज को तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा थोड़ा स्मगलिंग वगैरह भी कम होगी और जो लेजिटिमेट ट्रेडर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सकेगा तो मुझे लगता है कि ये जो सस्ते आईफोन का सपना है ना ये दोनों तरफ से थोड़ा भारत की तरफ से थोड़ा एप्पल की तरफ से देखते हैं आगे क्या सामंजस्य बैठता है फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए रस्तोगी साहब थैंक यू सो मच भटनागर जी बहुत बहुत शुक्रिया तरुण पाठक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही